यात्रा खंडवा रोड पर तेजाजी नगर से भरकुआ तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध सावन माह बुधवार से शुरू हुआ। कांवड़ यात्राओं के चलते खंडवा रोड पर ट्रैफिक जाम न हो, इसके लिए प्रशासन ने इस रोड पर भारी वाहन बंद करवा दिए हैं। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं और पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए SSP रुचि वर्धन मिश्र ने तेजाजी नगर से भरकुआ तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस रूट पर चलने वाले हैवी वाहन सुबह 8 से रात 9 बजे तक राव महू मार्ग से संचालित होंगे। जिला सड़क सुरक्षा समिति की पिछले दिनों हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। दूध वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, LPG पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, यात्री बसों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से मुक्त रखा है। आदेश 15 अगस्त तक प्रभावशील होगा। एक कांवड़ यात्राएं जो शहर से होकर के गुजरेंगी उनके लिए बाकायदा ट्रैफिक का इंतज़ाम लगाया जाएगा और इस पूरे श्रावण मास में जो खंडवा रोड है, ओंकारेश्वर की ओर जाने वाली खंडवा रोड है, वहाँ से कांवड़िए आते हैं तो उसको लेकर के हैवी ट्रैफिक वहाँ तेजाजी नगर सर्कल से डाइवर्ट रहेगा, उसके लिए अलग से स्टाफ लगाया जा रहा है। और साथ ही इसमें रेंज स्तर पर सभी जिलों की बैठक हुई है और उसमें बाकी जो जिले हैं स्पेशली खरगोन, खंडवा और धार, इनसे जो ट्रैफिक के रूट का डाइवर्जन है उसको लेकर के समन्वय स्थापित किया गया है। और जब ये कांवड़िए यहाँ से उज्जैन की ओर रवाना होंगे तो उज्जैन जिले से भी उनका हमारा संपर्क रहेगा और इस प्रकार से पूरी व्यवस्था सभी जिलों के आपसी समन्वय से और अतिरिक्त बल देकर के व्यवस्था की जाएगी। क्या किसी प्रकार के वाहनों पर रोक भी लगाई गई मैम? जो भारी वाहन हैं उनको तेजाजी नगर सर्कल से खंडवा रोड पे ना जाने देते हुए उनको डाइवर्ट करके धामनोद रोड की तरफ से उनको जाने दिया जाएगा। किसी तरह की मुश्किलें का सामना ट्रैफिक पुलिस वालों को भी करना पड़ेगा? देखिए, अतिरिक्त व्यवस्था निश्चित तौर पर हमको करनी पड़ेगी क्योंकि जब कांवड़ यात्री पैदल निकलते हैं तो उनके साथ कहीं कोई दुर्घटना घटित ना हो, इसको लेकर के हमारा उद्देश्य है। और उसमें हम पेट्रोलिंग पार्टी भी, जब ये मूवमेंट रहेगा तो उस दौरान पेट्रोलिंग पार्टी और अतिरिक्त व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था हम उसमें लगा के रखेंगे। थैंक यू।